जनपद में रोइंग गेम से खिलाड़ियों की देखरेख करने के लिए 112 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि यह गोरखपुर में बहुत गौरव की बात है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो कि रामगढ़ ताल में किया जा रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और खिलाड़ियों के ठहरने के लिए 9 होटल की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर खिलाड़ियों के रहने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है और जहां पर ताल में प्रतियोगिता होगी वहां 2 टीमें नाव पर रहकर कार्य करेंगी, जिससे खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके अलावा 4 एम्बुलेंस व 112 डॉक्टरों की टीम की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, गोरखपुर के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है रोइंग प्रतियोगिता, जो युवाओं का खेल है, वो गोरखपुर हो रहा है। गोरखपुर शहर जैसा आप जानते हैं युवाओं के लिए है, यहाँ युवा शक्ति बहुत अधिक है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए महाराज जी की कृपा से ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ और ये रामगढ़ ताल जो अपने नाम से बहुत सदियों से विख्यात रहा है वहाँ पर रोइंग प्रतियोगिता होगी। उसके लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएँ पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। हमारी जितने भी यहाँ के 9 होटल्स हैं उनके लिए हमारी टीमें राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी हमारा एक हेल्थ का कैंप कंटिन्यूअस चलेगा और जहाँ पर नौकायन होगा ताल के अंदर भी हमारी 2 टीमें नाव पर सुसज्जित रहेंगी, जिससे जो खिलाड़ी आए हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, बाबा गोरक्षनाथ से, ये सभी खिलाड़ी अच्छे से खेलें और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में रोइंग प्रतियोगिता में मेडल जीत करके गोरखपुर का नाम करें। एम्बुलेंस वगैरह ये सब चीज़ें सब कुछ है हमारे पास, 4 एम्बुलेंस लगी हुई हैं, 2 ALS सामान्य एम्बुलेंस है, 2 हमारे पास ALS एम्बुलेंस लगी है, करीब 112 डॉक्टरों की टीम हमारी जो है इनकी चिकित्सा सुरक्षा के लिए लगी हुई है।